अब आपकी गाड़ी में कोई सा फ्यूल डलवा लेते हैं? अगर ऐसा है तो रुक जाइए, मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजें कि आपकी गाड़ी भी चलेगी। ऋषि और आप सभी का स्वागत है इंदौर मैकेनिक्स में। आप क्या सिर्फ ऑयल को ब्रांड से ही पहचानते थे? अगर ऐसा है तो मैं आपको बताता हूँ, ऑयल में होती है तीन चीजें, और वो होती हैं एक एसएई ग्रेड, दूसरा एपीआई रेटिंग, और तीसरा होता है जैसो सर्टिफिकेशन। अगर आपने किसी भी ऑयल में ये तीन चीजें ढूंढ ली तो आपकी गाड़ी कोई सी भी हो आप हमेशा उसके लिए बेस्ट ऑयल ढूंढेंगे। जैसो, जैसो यानी कि जैपनीज ऑटोमोटिव स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको बस ये बता दूं कि ये इंजन ऑयल में फ्रिक्शन लेवल को टेस्ट करते हैं, और इनने ग्रेड्स बना के रखी हैं जैसे जैसो MA, MA1, MA2 और MB। सिंपल फॉर्मूला जैसा आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे अगर आपके पास कोई भी गियरलेस स्कूटर है, एक्टिवा है, माइस्ट्रो है, जुपिटर है, एक्सेस है, या जो भी है, आप उसमें अगर जैसो MB का यूज करते हैं तो क्योंकि इस ऑयल में फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज बहुत कम होती है, तो इसके कारण इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है और जो राइडिंग क्वालिटी रहती है वो भी बहुत स्मूथ फील होती है, जैसे कि आप ये ऑयल में देख सकते हैं। ये ऑयल में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ऑयल विद अल्ट्रा लो फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज हेल्प्स इंप्रूव फ्यूल एफिशिएंसी एंड पावर। ये होता है जैसो MB, और मोटरसाइकिल्स में दो ग्रेड होती है, जैसो MA और MA2। जैसो MA1 उसकी फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज के कारण कोई कंपनी उसे यूज नहीं करती है, और जहां तक बात है जैसो MA की तो ये अभी लेटेस्ट मोटरसाइकिल में यूज नहीं होता, ये लो पावर मोटरसाइकिल में ज्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। और जैसो MA2 जो है वो नई मोटरसाइकिल और हाई पावर मोटरसाइकिल इनमें यूज होता है, और जैसो MA2 से क्लच का जो ऑपरेशन है थोड़ा फास्ट फील होता है एज कम्पेयर टू जैसो MA, तो मतलब कि ज्यादा माइलेज और ज्यादा पिकअप। सेकंड में बात करूं API की यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, तो ये हमें इंजन ऑयल की क्वालिटी बताते हैं, नई रेटिंग मतलब बेटर क्वालिटी, और जब मार्केट में अवेलेबल है तो फिर क्या दिक्कत है। थर्ड और लास्ट SAE, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ग्रेड, ये समझाना थोड़ा कठिन है। सपोज कीजिए जैसे SAE 10W30 है, तो उसमें 10W कोई ठंडे ऑयल की विस्कोसिटी नहीं है, ये हमें ठंडे ऑयल का परफॉर्मेंस बताता है। ये जितना कम होगा उतने आसानी से ऑयल पंप होगा, पूरे इंजन में सर्कुलेट होगा और फिल्टर से निकलेगा, यानी कि इंजन आसानी से स्टार्ट होगा। और जो सेकंड नंबर है 30, ये इंजन ऑयल के हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने की कंडीशन रहती है, यानी कि ये जितना ज्यादा होगा आपका इंजन हाई टेम्परेचर को उतना ही रेजिस्ट करेगा। सपोज आपके पास कोई मोटरसाइकिल है 110cc की, और उसमें कंपनी का रिकमेंडेशन है SAE 10W30, और आपका यूसेज सिर्फ घर से ऑफिस और ऑफिस से घर है, तो आपको ये वाला ग्रेड बेस्ट सूटेड रहेगा और इसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और अगर आपका मीडियम स्पीड है और बहुत ही फ्रीक्वेंट स्टॉपेज आ रहा है, जैसे कि डिलीवरी बॉय का रहता है या मार्केटिंग वालों का रहता है, तो उसमें अगर आप 10W40 ऑयल यूज करेंगे तो आपको इंजन में और उसके परफॉर्मेंस में कोई इशू फील नहीं होगा। या अगर आपके पास 125cc भी मोटरसाइकिल है तो उसमें भी आप 10W40 ऑयल यूज कर सकते हैं। और या अगर आप थर्ड केस में जैसे सिटी टू सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, हाई स्पीड पर ट्रैवल कर रहे हैं, लो स्टॉपेज ले रहे हैं, तो ऐसे में इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो अगर ऐसे कंडीशन में आप 10W50 ऑयल यूज़ करेंगे तो इंजन में आपको बहुत ही कम इश्यू आएगा। और अगर आपके पास हाई पावर मोटरसाइकिल है तब तो ऑयल आपको एक बार यूज़ करके देखना ही चाहिए। मुझे लगता है कि आप जानते हैं बेस्ट ऑयल कौन सा, तो जाइए अपना ऑयल ढूंढिए, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो उस पर रेडी है, पर उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ राइडिंग।